नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। महाशिवरात्रि को लेकर सजा जिले के सभी शिव मंदिर, कई जगहों पर निकाली गई झांकी। भागलपुर सदर अस्पताल पहुंची जांच टीम, सभी वार्डों का लिया जायजा। रेलवे स्टेशन के बाद बासुकीनाथ कॉलोनी में मिला नवजात का शव, लोगों में मचा हड़कंप। और बंद हो सकता है शहर का शवदाह गृह, कर्मियों ने दी चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। महाशिवरात्रि को लेकर जिले के सभी शिवालयों में पूजा अर्चना करने को लेकर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। वहीं महाशिवरात्रि के मौके पर शहर के बूढ़ानाथ मंदिर, आदमपुर स्थित शिव शक्ति मंदिर, शिवपुरी स्थित भोलेनाथ मंदिर सहित सभी शिव मंदिरों को आकर्षक ढंग से फूलों से सजाया गया। नाथनगर के पुजारी बाबा मानस शुक्ला ने बताया कि पूजा के उपरांत शिव के बारात की झांकी निकाली जाएगी। कोरोना महामारी के कारण इस बार कम लोगों की भीड़ जुटे, इसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा आदेश जारी किया गया है। बाबा मनुष्कावल मंदिर के प्रांगण में सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है और कल न्यूज के माध्यम से और सभी लोगों को एक-एक करके हम लोगों ने कहा था कि आप लोग अब मास्क और हाथ में सैनिटाइजर लगाकर ही मंदिर प्रवेश करेंगे, क्योंकि अपनी सुरक्षा और दूसरों को भी सुरक्षित रखना, ये सोच सभी की होनी चाहिए। मेरी मनोकामना होगी कि सभी भोलेनाथ की कृपा सब पर ऐसे ही बनी रहे। शिवरात्रि का व्रत क्यों करते हैं लोग? शिवरात्रि का व्रत भोलेनाथ पार्वती माता का विवाह होता है, उसको हम लोग अपनी श्रद्धा सुमन से इस व्रत को करते हैं। हमारी कन्या इच्छा रहती है कि माँ भोलेनाथ के जैसा ही हमें ऐसा वर मिले। गुरुवार को पटना से भागलपुर पहुंची दो सदस्यीय टीम ने सदर अस्पताल के सभी वार्डों का गहन जांच किया। इंजीनियर आनंद ने बताया कि केंद्र सरकार की योजना कायाकल्प के तहत अस्पताल का निरीक्षण किया जा रहा है। सदर अस्पताल के कुछ कार्यों में कमी देखी गई, जिसे सुधार करने का निर्देश भी दिया गया। जो कमी पाई गई है उसे कायाकल्प योजना के तहत पूरा किया जाएगा। इसमें जो भी कमियां हैं हम उसको कम करें और उससे के आकलन को बेसिकली हम आए हैं, आकलन के उपरांत हम कमी को पूरा करने की जल्द कोशिश करें। बीते दिनों भागलपुर के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर नवजात बच्ची का शव मिला था। गुरुवार को मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र बासुकीनाथ कॉलोनी के समीप मैदान में खाली पड़ी जमीन पर एक नवजात का शव मिलने से कॉलोनी में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई। पहले यहां पे आए, देखे एक बच्चा यहां पे गिरा हुआ था, नवजात बच्चा। आदमी बच्चा के लिए क्या क्या नहीं करता है, देखिए किस तरह से बच्चा को यहाँ पे फेंक दिया गया है, मतलब घर के बगल में। हम लोग को तो पता नहीं कौन क्या किया। क्या लड़का है, लड़की है? वो तो लड़की है और उसको कुत्ता सब एकदम गलत तरीके से नोच दिया गया है उसको। अगर आप तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के छात्र हैं और पीजी सत्र 2020-21 में नामांकन के लिए सोच रहे हैं, तो आपको बता दें कि दाखिले की प्रक्रिया 25 मार्च तक शुरू होने की उम्मीद है। बुधवार को दाखिले को लेकर DSW डॉक्टर राम प्रवेश सिंह की अध्यक्षता में नामांकन कमेटी की बैठक आयोजित की गई। हम आपको बता दें कि स्नातक पार्ट 3 का अंक पत्र अपडेट नहीं होने के कारण पीजी के नामांकन प्रक्रिया में देरी हो रही है। शहर के बरारी स्थित शवदाह गृह में 8 माह में लगभग 2000 शवों का अंतिम संस्कार हो चुका है, लेकिन शवदाह गृह में काम करने वाले ऑपरेटर और मजदूरों को 8 महीने से वेतन भुगतान नहीं हुआ है, जिसको लेकर मंगलवार को कई घंटों के लिए शवदाह गृह को बंद कर दिया गया। वहीं प्रभारी नगर आयुक्त प्रफुल्ल चंद्र यादव ने कहा कि अगर कर्मचारी शवदाह गृह में काम करने वाले कागजात जमा करेंगे तभी वेतन मिलेगा। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन से RPF ने 12 बोतल महुआ शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। RPF के सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने बताया कि वर्धमान पैसेंजर ट्रेन में चेकिंग के दौरान नाथनगर बसंतपुर दोगच्छी निवासी गुलशन कुमार को 12 बोतल महुआ
शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। ट्रेन आई, हम लोग चेक किए, चेक करने के बाद डाउट हुआ, इस लड़के से पूछे। कौन सी ट्रेन थी सर? ट्रेन बर्दवान लोकल, साहेबगंज बर्दवान लोकल। कितने बजे घटना? करीब 7 बजे आई थी, 7:01 में आई थी हम। महाशिवरात्रि को लेकर नवगछिया टाउन थाना में एसपी सुशांत कुमार सरोज ने महाशिवरात्रि कमेटी के साथ बैठक की। बैठक में एसडीपीओ दिलीप कुमार, थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार, नवगछिया नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव सहित महाशिवरात्रि कमेटी के सदस्य शामिल थे। एसपी ने कोविड 19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही एसपी ने कहा कि जुलूस निकालने को लेकर लाइसेंस लेना अनिवार्य है। देखिए, कोविड 19 के शर्तों का अनुपालन करते हुए उनसे अनुरोध किया गया कि शांतिपूर्ण से, सौहार्दपूर्ण से तरीके से प्रसन्न को संपन्न कराएं। प्रशासन की ओर से हर जगह मजिस्ट्रेट और बल से प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा कहीं कमी रह जाएगी फोर्स की, उसका हम प्रतिनियुक्ति करेंगे। महाशिवरात्रि को लेकर सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ मंदिर में सुबह से ही शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। शिव भक्तों ने अजगैवीनाथ उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान कर पूजा पाठ की। वहीं शिव भक्तों के द्वारा भगवान भोले की झांकियां निकाली गई। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले, जिसकी निगरानी थाना अध्यक्ष गौरव कुमार कर रहे थे। अजगैवीनाथ मंदिर के महंत श्री प्रेमानंद गिरी ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन को लेकर झांकियों में कम लोग शामिल होंगे। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के रघुचक अनहार गांव में 9 दिवसीय भागवत कथा को लेकर गुरुवार को सुल्तानगंज अजगैवीनाथ उत्तर वाहिनी गंगा तट से कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं और युवतियां शामिल हुई। 12 मार्च से शुरू होने वाले भागवत कथा अयोध्या और ऋषिकेश से आए कथावाचकों के द्वारा पाठ किया जाएगा। महाशिवरात्रि को लेकर रत्तीपुर बैरिया के नर्मदेश्वर महादेव मंदिर से गुरुवार को 4 दिवसीय महाशिवरात्रि मेला महोत्सव को लेकर कलश शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा अजमेरीपुर रसीदपुर होते हुए बंडाल घाट पहुंची और उत्तर वाहिनी गंगा में जल भरकर वापस मंदिर परिसर पहुंची। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष लाल बहादुर शर्मा ने बताया कि 4 दिवसीय महाशिवरात्रि मेला महोत्सव को लेकर कलश शोभा यात्रा निकाली गई और देर रात शिव पार्वती का विवाह संपन्न कराया जाएगा। फिलहाल खबरों में इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।